लकड़ी बीनने गई महिला से दो पहाड़ी कोरवा युवकों ने किया दुष्कर्म। जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला से दो स्वजातीय युवकों ने दुष्कर्म किया। डर से पीड़िता ने 15 दिन बाद रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। श्यांग थाना क्षेत्र के गांव की 35 वर्षीय महिला लकड़ी बीनने के लिए तीतर पहाड़ गई थी। जंगल में गांव के रामकुमार पहाड़ी कोरवा व बहादुर कोरवा ने दुष्कर्म किया। घटना किसी को बताने या रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर से पीड़िता ने घर में किसी को नहीं बताया। 15 दिन बाद पीड़िता ने पति को घटना बताई, जिसके बाद उन्होंने श्यांग थाना में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस द्वारा केस दर्ज कर दोनों आरोपियों की पताशाजी की गई तो घर से फरार मिले, जिसके बाद श्यांग थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम सिदार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर लगाए, जिसमें रामकुमार रिश्तेदार के यहां और बहादुर रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र के क्रधा गांव के चालहा पहाड़ में छिपे होने की जानकारी मिली। टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो थाना सायंग में दो दिन पूर्व एक जो पहाड़ी कोरवा महिला है उनके साथ दुष्कर्म करने का रिपोर्ट आया था, जिस पर तत्काल अपराध कायम किया गया है और अपराध कायम करके थाना प्रभारी सायंग द्वारा राम कुमार जो पहाड़ी कोरवा और बहादुर सिंह पहाड़ी कोरवा जो दोनों प्रकरण के आरोपी थे, दोनों को गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पर लेकर के माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया है, जहाँ से उनको जेल दाखिल कर दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान की रिपोर्ट।